हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का अचार। बहुत ही बढ़िया बनाएंगे यार, तो चलिए आइए बनाते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 5-6 कैरी ले ली हैं। अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पर अच्छी रेसिपी देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अब सबसे पहले हमने इन कैरियों को धो लिया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम छीलनी की सहायता से इस तरीके से छीलेंगे नहीं, इसको इसी तरीके से काट लेंगे इसकी सहायता से। ये देखिए, इस तरीके से हम काट लेंगे कैरी को। इस तरीके से काट लेना है, बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगी। ऐसे हमें काट लेना है, इसके पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए, ऐसे पीस होने चाहिए हमारी कैरी के। सभी को हम इस तरीके से काट लेंगे, इस तरीके से हमें काट लेना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सौंफ भूंज ली है, और ये मेथी दाना है, मेथी दाना भी मैंने भूंज लिया है। मेथी दाने को भी रोस्ट कर लिया। ये देखिए, ये पीली सरसों हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इस तरीके से हम इसको रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा भून लेना है, इसमें हल्की सी खुशबू आने लग जाए। पीली सरसों बाज़ार में आराम से मिल जाती है, इसमें अचार में इसे डालना ज़रूरी होता है, तभी हमारा अचार बहुत बढ़िया बनता है। यह हमारी, अब इसमें मैं मेथी दाना मैंने भूंज लिया था, मैंने आपको बताया। अब मेथी दाने को हम भूंजने के बाद इसको इस तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको हम पीस लेंगे। इस तरीके से अच्छे से पीस लेना है। सौंफ भी हमने पिसी पिसाई ली है, उसको हमने भून लिया है। अब ये देखिए, पिस गया है मेथी दाना। ये हल्दी है और सरसों हैं, पीली सरसों। हल्दी और पीली सरसों में हमने इसमें मेथी दाना डाल दिया है, और ये सौंफ है, पिसी सौंफ है। अब इसमें मैं डालेंगे नमक, इतना नमक डालेंगे। आम का अचार डाल रहे हैं तो नमक उसमें अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें लाल मिर्च डालेंगे हम पाउडर 1/2 चम्मच। इसको बगल से रख देंगे। ये देखिए, कैरी मैंने डलिए में कर दी है, इसको मैंने सुखा लिया है, जो थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर रहता है कैरी में। अब इसको हम मसाले को मिला लेंगे इस तरीके से, जो मसाला हमने बनाया था, सरसों का हल्दी पाउडर डाला इसमें, इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डली है सौंफ और मेथी दाना पीस के डला है सारा मसाला इसमें। अब देखिए, ये मसाला हमारा बनके तैयार है। अब इसमें हम कढ़ाई में डालेंगे मसाले को, सारा मसाला जो हमने बनाया था। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच है हमारा ये, इसको मैं तेल डालूँगी इसमें, और इसको मिला लेंगे हम मसाले को अच्छी तरीके से। नमक और डालेंगे थोड़ा सा इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके अचार में नमक अच्छा लगता है इसलिए हम नमक और डाल रहे हैं। अब इसमें हम कैरी डालते जाएंगे और मसाले को इस तरीके से कैरी में अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। ये हमारे चम्मच से इससे मिल नहीं पाएगा तो हम हाथ से मिलाएँगे, हाथ से अच्छी तरीके से कैरी पर मसाला चढ़ जाएगा। और इसको और एक हम कंटेनर में रख देंगे इस तरीके से, इसे भर भर के इसको कैरियों को हम इसमें मसाले में अच्छी तरीके से मिला के कंटेनर में भर देंगे। सारी कैरियों को हम इस तरीके से देखिए भर लेंगे, और जो मसाला बचेगा उसको हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एक दिन बाद, मतलब जैसे हमने आज अचार डाला है, तो कल हम इसमें तेल डालेंगे और इसको हम हिला लेंगे अच्छी तरीके से, जो मसाला है ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इसमें हम एक दिन बाद तेल डालेंगे, ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। तेल डालें इसको, और इसको इस कपड़े से हम इसको बंद करके रख देंगे। और अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो आम के अचार का, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इसमें हम तेल ज़रूर डालेंगे एक दिन बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। बाय बाय।